नमस्कार, मैं डॉक्टर दलवीर सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्वेश्चन या। दोस्तों, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कैंडिडेट्स हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उनकी तीन सब्जेक्ट की यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इसके साथ में इकोनॉमिक्स की डेट आ गई है। और आप HPSC की साइट पे जाओगे, अनाउंसमेंट के अंदर आप देखोगे तो आपको एक लेटर मिलेगा जिसके अंदर ये बता रखा है कि इसी महीने जो नेक्स्ट जो मंथ शुरू हो रहा है यानी कि कल से सितंबर के लास्ट वीक में पेपर कंडक्ट किया जा सकता है। पर आप ये याद रखें कि ये टेंटेटिव डेट है, इसके अंदर ऊपर नीचे भी हो सकता है, परंतु ये एक हिंट आपको मिल गया है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कब होगा। कुछ हमारे दोस्त इसके बारे में जरूर थोड़े से सीरियस होंगे और वो पूछेंगे कि आचार संहिता जिसको कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं इलेक्शन का, वो हरियाणा के अंदर शायद लागू हो जाएगा और ये 10 सितंबर के आसपास हो जाना चाहिए, तो क्या उस समय पे HPSC पेपर कंडक्ट करा पाएगी। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि HPSC इसमें छूट होती है कि वो अपना जो प्रोसेस पहले से चल रहा है उस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं, यानी कि वो पेपर भी ले सकते हैं, उसका रिजल्ट भी अनाउंस कर सकते हैं, इंटरव्यू भी ले सकते हैं, फाइनल रिजल्ट इसमें अनाउंस नहीं कर पाएंगे। तो HPSC पेपर लेने में यहाँ पे सक्षम है, यानी आचार संहिता इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं अड़ती है, कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है बिल्कुल भी नहीं है। जो बात आती है इस प्रकार की कि क्या वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर पाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और जहां तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन के अंदर भी हो सकता है इसमें कुछ अड़चन आ जाए और सरकार भी हो सकता है ना चाहे कि पेपर इस बीच में लिया जाए, परंतु जहां तक मुझे उम्मीद है कि शायद पेपर तो सितंबर के लास्ट वीक में ले लेंगे, परंतु उसका रिजल्ट यानी रिटर्न का रिजल्ट भी सरकार नई सरकार बनने के बाद अनाउंस करेगी। तो यही थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप यदि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक सब्जेक्ट से आप यदि हैं तो आप तुरंत ही इस लेटर को देख लीजिए और अपनी तैयारी के अंदर आप पूरा जोर लगा दीजिए। एडवांस में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।